जागरूक जनता, बहुत आसान सवाल, इनमें से सबसे बुरी हैंडराइटिंग किसकी होती है? ए इंजीनियर्स, बी लॉयर्स, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट या डी डॉक्टर्स? अगर आपका भी जवाब है डी डॉक्टर्स तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं जनरली दवाइयां जेनेरिक स्टोर से खरीदता हूं, यानी डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन तो लिखाता हूं लेकिन उसके बाहर के केमिस्ट से दवाई खरीदता नहीं हूं। लास्ट टाइम ये हुआ कि वो प्रेस्क्रिप्शन जब मैं स्टोर पर लेके गया तो 2-3-4 स्टोर में भी वो राइटिंग कोई नहीं पढ़ पाया और फाइनली मुझे डॉक्टर के बाहर के केमिस्ट से ही वो दवाइयां खरीदनी पड़ी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डॉक्टर्स जानबूझकर बुरी हैंडराइटिंग लिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। गुवाहाटी के एक हॉस्पिटल में बहुत ही सीरियस पेशेंट एडमिट हुई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दिल्ली के एक डॉक्टर ने जो पेन किलर लिखी थी उसकी जगह वो डायबिटीज की दवाई ले रहे थे बहुत समय से, जिसके चलते उनका ब्लड शुगर हो गया डाउन और ये प्रॉब्लम हुई। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 13 लाख मौतें रॉन्ग मेडिकेशन के कारण होती है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है बुरी हैंडराइटिंग। 52% केमिस्ट तो डॉक्टर की हैंडराइटिंग ढंग से पढ़ ही नहीं पाते। डॉक्टर्स में अच्छी हैंडराइटिंग इतनी रेयर है कि जब किसी यूजर ने एक अच्छी हैंडराइटिंग वाला प्रेस्क्रिप्शन ट्विटर पर डाला तो वो वायरल हो गया। आजकल कुछ डॉक्टर्स इस तरह के प्रिंटेड प्रेस्क्रिप्शन देने लगे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे प्रेस्क्रिप्शन सभी डॉक्टर्स के लिए मैंडेटरी कर देने चाहिए? कमेंट्स में डिस्कस करते हैं।